हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू सिविल स्टैट टीचिंग एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या मैं ऑडिबल हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास विद अवर फर्स्ट न्यूज। क्या कह रही है कि डॉक्टर मनोज सोनी जो है उन्हें यूपीएससी के न्यू जो चेयरमैन है वो घोषित कर दिए जा चुके हैं कल। अब इनकी अगर हम बात करें, मनोज सोनी जी को हमारे ये जो है यूपीएससी के न्यू चेयरमैन बन गए हैं कल। तो व्हाट वी हैव टू लर्न हियर कि यूपीएससी क्या है, दैट इज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एज वी ऑल नो, ये वो बॉडी है जो सेंट्रल की सरकार जो है हमारे लिए जो है एग्जाम्स निकालती है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एक्सेट्रा। तो अगर हम बात करें मनोज सोनी जी की, मनोज सोनी जो है उन्होंने ओथ ली है इन द प्रेजेंस ऑफ श्रीमती समिता नागराज, जो कि मोस्ट ऑफ द सीनियर मेंबर हैं इस कमीशन के। अगर हम बात करें ये जो पर्टिकुलर यूपीएससी की, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें, ये हमारे भारत के संविधान में पार्ट 14 में आता है। पार्ट 14 आपको क्या याद रखना है कि भारत के संविधान पार्ट 14 में ये आता है। और अगर हम बात करें कि हमारा ये जो पार्ट 14 है, इसमें 14 भी है, 14A भी है, जिसमें ट्रिब्यूनल्स की बात करी जाती है। 14A में ट्रिब्यूनल्स की बात करी जाती है। हमें 14 पार्ट में से आर्टिकल नंबर 308 से लेकर 323 तक जो है, ये जो आर्टिकल है ये डील करते हैं जितने भी हमारे सेंटर के अंडर बॉडीज आती हैं जो रिक्रूट करती हैं। तो इसमें से भी आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 तक, 315 से लेकर 323 तक जो है संघ लोक सेवा आयोग की जो है बात करती है, जिसमें हमारी यूपीएससी के, दैट इज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, उसकी कंपोजिशन, उसके में कितने मेंबर्स होनी चाहिए, लगभग 9 से 10 लोग इसमें कमीशन में होते हैं। एंड दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया। संविधान में ये लिखी है, जैसे कि मैं बोल ही रही हूँ कि पार्ट 14 में आती है इस आर्टिकल से इस आर्टिकल तक, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी आपकी क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो जो हमारे चेयरमैन जी हैं उनको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर चेयरमैन को कभी रेजिग्नेशन भी देना हो तो वो भी किसे देंगे, प्रेजिडेंट को ही देंगे। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उन सभी के जो प्रोविजंस रहते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें रिमूवल की बात करें, तो रिमूवल इन जो यूपीएससी की चेयरमैन है इनका डिफरेंट है, ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया उनका डिफरेंट रहेगा। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि प्रोविजन सभी के डिफरेंट डिफरेंट है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलमोस्ट जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि ऐसी बॉडीज जो अपनी सीधी की सीधी पावर्स जो हैं संविधान से लेती हैं, प्राप्त करती हैं, वो बॉडीज के जितने भी हमारे चीफ एक्सेट्रा होते हैं उनको अपॉइंट ऑलमोस्ट प्रेजिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात करें जिसमें हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, तो इसमें कितने लोग हैं, 9 से 10 जो है कमीशन में लोग रहते हैं। जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन यानी कि जैसे अभी आपने बात सुनी कि जो मनोज सोनी जी हैं उनको एक न्यू चेयरमैन जो है अपॉइंट कर दिया गया है। तो अगर हम बात करें इनका जो टेन्योर रहेगा कितना रहेगा, या तो 65 ईयर्स तक, 65 ईयर्स मतलब जब इनके 65 ईयर्स एज जो है इनकी कंप्लीट हो जाए, या फिर जब इनके 6 साल जो है कंप्लीट हो जाए, मतलब दोनों में से कुछ भी प्रमुख हो जाए तो इनको जो है रिटायरमेंट मिल जाएगी। दूसरी अगर हम बात करें, इनको रिमूव करना जो है वो भी इजी नहीं होता है, ये निर्धारित किया जाता है, या तो कोई मिसबिहेवियर शो हो रहा हो, या फिर प्रेजिडेंट को फील हो हाँ कि ये गिल्टी है किसी चीज को लेकर, या फिर बैंक करप्ट है, तब जाकर इन्हें हम रिमूव कर सकते हैं। वैसे आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि हमारे कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर ईसीआई या फिर
चेयरमैन को जो है रिमूव किया हो. दूसरी अगर हम बात करें कि चेयरमैन को लेकर, दैट इज आफ्टर द रिटायरमेंट, अगर हमारे जो चेयरमैन हैं रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद ही कोई भी अनदर जो सेंट्रल सरकार के अंदर जो ये जॉब है एक्सेट्रा नहीं कर सकते, ना सेंटर ना स्टेट के अंदर. इससे हमें पता चलता है किस प्रकार से हमारी जो बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उनकी इंडिपेंडेंसी जो है कायम रहती है. क्योंकि यूपीएससी का मेन काम क्या है, रिक्रूट करना जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं देश में. तो अगर इनको कोई लालच ही नहीं होगा तो दैट्स वाई ये प्रोविजन रखा होता है कि इसके बाद ये बाद में इन्हें एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा अंडर द स्टेट और द सेंटर. चलिए आगे बात करते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट द टेक्नोलॉजी को लेकर है कि हमारी जो भारत की सरकार है उसने जो है हमारे जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के लिए एक पोर्टल बनाया है, दैट इज द संचार साथी. अब टेलीफोन दैट इज द मोबाइल, सेलफोन सभी के पास होगा आज की डेट में, सभी के पास होता ही है और वो आवश्यक भी है, नीड ऑफ द टाइम भी है. कभी कहते थे कि जरूरत नहीं है, लेकिन आज की डेट में नीड भी है हमें सेलफोन्स की. तो अगर हम बात करें कि सेलफोन्स को लेकर कभी हमारा सेलफोन खो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम क्या करते हैं, FIR करते हैं ऑफ कोर्स, अगर कभी किसी का खोया है तो, या किसी ने देखा है तो हम FIR दर्ज करवाते हैं. लेकिन उसका भी रिजल्ट क्या होता है हमें नहीं पता, या फिर हम सिम को बंद करवा देते हैं एक्सेट्रा. तो अब ये जो पोर्टल है, ये हमारी जो भारत की सरकार है उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, इस पोर्टल को लॉन्च करा है, जो आपको डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन जो है वहाँ की जो साइट पर जाकर आपको ये जो है सांची पोर्टल जो है ये आपको मिल जाएगा, संचार साथी पोर्टल जो है ये आपको मिल जाएगा. इस पोर्टल में क्या है कि अगर आपका कभी बाय चांस फोन को आपने ट्रैक करना है, खो गया है या फिर कोई चोरी हो गई है, तो आप इस पोर्टल के अधीन होकर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सिम कार्ड को, फोन नंबर को, सभी को जो है ब्लॉक कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रैक कर सकते हैं, यहाँ की वेबसाइट रहेगी, आप वेबसाइट पर जाएंगे www.sanchisarthi.government.in, इस वेबसाइट पर जाएंगे, आप ओपन करके भी देख सकते हैं. तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप ट्रैक कर लेंगे, चाहे आपका चोरी हुआ है, चाहे आपका खो गया है फोन नंबर, चाहे आपके दो नंबर है उसको ट्रैक कर लेंगे. फिर उसके बाद व्हाट यू कैन डू, अपने फोन को भी, नॉट ओनली द सिम, फोन में भी आपका एक IMEI कोड होता है ना, तो आपको ये पूरा का पूरा डालना होगा डेटा जो भी ये मांगेगा, फॉर्म फिल करना होगा. तो इसमें आप क्या करोगे, आप अपने फोन नंबर के साथ साथ अपने सिम को, फोन को, इनफैक्ट मोबाइल फोन को भी आप अपने क्या करवा सकते हैं, ब्लॉक करवा सकते हैं यहाँ से. व्हेन यू फिल दिस डन, अब ये आज की डेट में कितना जरूरी है आपको भी समझ आती है. कभी कभी किसी का फोन घूमे तो नहीं मिल सकता, मुझे भी इस चीज से इंसिडेंट याद आता है, हमारा भी घर का किसी का फोन ऐसे खो गया था तो हमें आज तक नहीं मिला, हमने FIR भी दर्ज करवाई थी, पर कई बार मिल भी जाता है. तो खैर अभी एक पोर्टल है जो आप जाकर देख सकते हैं. इसमें जो है इसमें CEIR यानी कि सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन रजिस्टर इसमें रहेगा, डैशबोर्ड रहेगा जिसमें आप प्रॉपर अपनी पूरी इंफॉर्मेशन डालेंगे एंड यू गेट द इंफॉर्मेशन कि आपका फोन कहाँ पर है कहाँ नहीं है, ट्रैक कर सकते हैं अच्छे से. किसी ने ये लॉन्च करा है, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं कम्युनिकेशन और रेलवेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने, श्री अश्विनी वैष्णव जी जो हैं, श्री अश्विनी वैष्णव जी जो हैं उन्होंने ये जो पोर्टल है ये लॉन्च किया है. अब ये जो पोर्टल है ये आज के दिन यानी कि हमारी डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन जो है उनके द्वारा ये जो है आज जो है ये लॉन्च किया जाएगा. आज क्यों भाई, क्यों, क्योंकि आज क्या है, टुडे इज द वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे, वर्ल्ड टेलीकॉम डे है, वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे, दैट इज द 17th of May सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे. एवरी ईयर पूरा जो इसका नाम है दैट इज द वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे. एंड नाउ व्हाट इज टेली कम्युनिकेशन, नाउ व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, आप क्लास लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं आप क्लास, किसी नेटवर्क के माध्यम से लगा रहे हैं. डन,
तो आज की डेट में हम जितने भी सिग्नल्स को भेजते हैं, चाहे वो रिटन फॉर्म में, चाहे वो बोलने के फॉर्म में, कुछ भी है ना, थ्रू द वायर्स एक्सेट्रा, जो भी है, फाइबर्स, केबल्स एक्सेट्रा, टेलीग्राफ एक्सेट्रा, ये सब कुछ क्या है? ये हमारा टेलीकम्युनिकेशन का ही तो जरिए है। तो इसी चीज की इम्पोर्टेंस और इसी चीज में डेवलपमेंट को हमारा पूरा वर्ल्ड जो है आज, जो कम्युनिकेट है, जो आज ग्लोबलाइजेशन हम देख रहे हैं, आज हम यहाँ पर बैठे हैं लेकिन हम फॉरेन में कोई भी है तो उससे वीडियो चैटिंग एक्सेट्रा कुछ भी कर सकते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन। रिसेंटली कोविड आया था, मतलब अभी भी कहीं ना कहीं हमें मिल ही जाते थे पेशेंट्स, बट जब कोविड आया था उस समय तो वर्चुअली मीटिंग्स होना, कॉन्फ्रेंसेस होना, ये तो बहुत ही योगदान की तरह साबित हुआ। हालांकि नेगेटिविटी भी है, ये वायरस के कारण काफी बर्ड्स को भी नुकसान होता है एक्सेट्रा, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर हम जानते हैं कि ये एज अ सेलिब्रेट कैसे किया जाता है, दैट इज द मई 17 वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे को। अगर हम इसकी बात करें, ये जो डे है ये हमारा सर्वप्रथम जो है, ये हमारे जो फ्रांस में एक टेलीग्राफ, जो एक लाइन है, कन्वेंशन है फ्रांस में जो है, ये साइन की गई थी उसके अधीन, मतलब उसके कारण ही ये जो है 17 मई 1865 को जो है ये एज अ इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन फॉर्मेशन हुई थी, और तभी से ये जो है डे मनाया जाता है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में 2005 के आसपास इन्होंने एक अपना एजेंडा रखा कि यस, इसे हम इंटरनेशनल लाइक द टेली कम्युनिकेशन डे की तरह ऑब्जर्व करते हैं मई 17 को। आफ्टर दैट अगले साल क्या हुआ, इसको कंबाइन कर दिया गया विद द इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑल्सो, डन। तो इसीलिए इसे हम 17 मई को वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे एंड द टेली कम्युनिकेशन डे की तरह हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज टूडे विच इज द मई 17। यस, अब इस साल 2023 में ये जो टेली कम्युनिकेशन डे जो मनाया जा रहा है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम क्या है? एम्पावरिंग द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। बहुत आसान है समझने में कि हमारे वर्ल्ड की जितनी भी हमारी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मतलब अभी तक जो डेवलप नहीं हो पाई हैं, जैसे अफ्रीका की कुछ कंट्रीज हैं जो अभी तक बहुत ही अंडर डेवलप्ड हैं, बिल्कुल डेवलप नहीं हो पाई हैं, ऐसी जो कंट्रीज हैं हमारी, वो जो हैं उनको भी हम आगे लेकर आए, उनको भी हम ऊपर उठाएं विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। चलिए, यस, नाउ श्री अन्न फेस्टिवल की बात करते हैं। श्री अन्न फेस्टिवल, श्री अन्न किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो श्री अन्न कहते हैं हम मोटा अनाज, मोटा अनाज यानी कि बाजरा की अगर हम बात करें, मिलेट्स की हम बात करें। श्री अन्न फेस्टिवल जो है ये जो है मई 13 13 मई को जो है, ये 13th of मई को जो है, 4 दिन का ये जो फेस्टिवल रहा इन द उत्तराखंड के देहरादून में, जो ये है वहाँ के जो सीएम जी हैं उन्होंने ये इनोग्रेट करा था, इसको कल ही जो है समाप्त करा है। इसमें 1000 of the farmers जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट करा। हम यहाँ पर बात करेंगे आज मिलेट्स की। ये जो है बहुत ही एक ऐसा हमारे लिए क्रॉप और फूड जाना जाता है जिसको हम इजीली जो है रिप्लेस कर सकते हैं विद द व्हीट एंड द राइस। और दुनिया में सबसे पुराना, दुनिया में विश्व का सबसे पुराना, मतलब यानी कि आप ये सोचें, जब हमारे भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के रीजन में जब सिंधु घाटी सभ्यता का भी जब शुरुआत हुई थी, तब जाकर जो ये बाजरा एक्सेट्रा है, तब का ये हमारा क्रॉप है, मतलब बहुत ही ओल्डेस्ट वन क्रॉप है हमारे वर्ल्ड का। और पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, वर्ल्ड में 41% से भी अधिक जो है, मतलब 41% जो है प्रोडक्शन जो है भारत में की जाती है बाजरा यानी कि मिलेट्स की। सिर्फ बाजरा नहीं, ज्वार, रागी एक्सेट्रा जो है इसमें आते हैं मिलेट्स में। श्री अन्न, ये हमारे जो बजट है, बजट में जो है इसकी अनाउंसमेंट करी गई थी श्री अन्न प्रोग्राम की, तो इस साल जो है करी गई थी, तो श्री अन्न फेस्टिवल है जो ये आयोजित किया गया 2018 में भारत ने नेशनल श्री अन्न फेस्टिवल, नेशनल मिलेट डे को भी ऑब्जर्व करा था 2018। और तब से हमारा जो भारत है ना,
वो प्रयास कर रहा था कि मिलेट्स को जो है इंटरनेशनली जो है दर्जा दिया जाए। तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने, यूनाइटेड नेशंस की जो एक बॉडी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो ये बॉडी है, उन्होंने 2023 यानी कि जो ये वाला वर्ष है 2023 वर्ष जो है इसे इंटरनेशनल ईयर फॉर ऑफ मिलेट्स जो है घोषित किया है। तो आपको याद रहेगा कि 2023 क्या है आपका इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर। अब अगर हम बात करें कि नेशनल था और अब जाकर क्या हो गया, इंटरनेशनल मिलेट डे हो गया। इसी को नजर में रखते हुए भारत की सरकार ने, आप जानेंगे कि पिछले कुछ सालों से, मतलब कुछ मंथ में जो है दैट इज द मिलेट के लिए प्रोग्राम, हमारी जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, हमारी पार्लियामेंट में जो है एक भोजन भी तैयार किया था जो सिर्फ बाजरा की, मिलेट्स की डिशेस से बना हुआ हो। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि मिलेट जो है एक्चुअल में बहुत ही हमारे लिए जो है अब लाभदायक साबित होते हैं। अगर हम मिलेट्स की बात करें, मिलेट्स होते क्या हैं, जैसे कि मैं नाम से आपको पता चल रहा है बाजरा, राइट, बाजरा। तो मतलब ये ना एक स्मॉल सीडेड ग्रासेस होती हैं, मतलब जैसे जैसे हम डेवलप होते जा रहे थे ना तो हम इनको भूलते जा रहे हैं, लेकिन लेकिन इनकी जो लाभदायक जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, इसमें फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयरन, न्यूट्रिशन, फाइबर, हमारे डाइजेस्टिव के लिए सबसे जो लाभदायक साबित होते हैं वो मिलेट्स ही हैं। और भारत में इसकी उत्पादित भी बहुत ज्यादा मात्रा में की जाती है, और ये हमारे खाने और साथ साथ जो हम चारा डालते हैं गौओं को या जितने भी हमारे पशु एक्सेट्रा हैं उनको जो हम डालते हैं उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। इनको उगाने के लिए आप ये देखें, इनको उगाने के लिए आपको कोई ज्यादा अमाउंट में पानी भी नहीं चाहिए। जहां पर 30 से 50 सेंटीमीटर की अगर रेनफॉल हो जाए ना, वहां पर भी ये जो हमारे मिलेट्स हैं ये उग जाते हैं। सॉइल में भी इतनी फर्टिलिटी ना हो तब भी, जैसे राजस्थान में भी ये उग जाते हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा जो है वो खाया भी जाता है, राइट। तो अगर, और ये क्रॉप्स कौन सी होती है मिलेट्स, ये होती हैं हमारी खरीफ क्रॉप्स। मोस्ट ऑफ द जो मिलेट्स हैं वो हमारी खरीफ क्रॉप, यानी कि जो हमारा जून और जुलाई का महीना है उस महीने में जो है ये प्लांटेशन इसकी करी जाती है, मतलब जो ये अभी मंथ आएगा इस मंथ में करी जाती है। और भारत विश्व का सेकेंड एक्सपोर्टर भी है मिलेट्स का, ये भी आपको याद रहना है कि भारत जो है सेकेंड एक्सपोर्टर भी है मिलेट्स का। सॉइल का टेम्परेचर भी इसे कम ही चाहिए, और मिलेट्स जो होते हैं श्री अन्न यानी कि मोटा अनाज जो है हमारे किसानों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इनको उगाने के लिए जो है हमें पैसा भी बहुत कम मात्रा में चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए। भारत के राज्य, जैसे कि आप ये देखें भारत के जो राज्य हैं हमारे, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये जो रीजन है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये जो रीजन है, उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा, यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में जो है मिलेट्स जो हैं उगाए जाते हैं। अगर हम ये बात करें मिलेट्स में जो मुख्य क्रॉप्स कौन कौन सी आती हैं, पहले तो तीन मेजर क्रॉप्स हैं, तीन आपकी क्या है मेजर क्रॉप्स हैं, जिसमें ज्वार, बाजरा और रागी, ज्वार, बाजरा और रागी, जिसे हम पर्ल भी कहते हैं, पर्ल मिलेट भी कहते हैं बाजरा को। ये जो बाजरा, रागी और ज्वार है इसके लिए तो हमारी सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये भी इनिशिएटिव लिया है कि इसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी देंगे, तो किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और हमारी मिलेट्स में 6 माइनर क्रॉप्स भी आती है, जैसे सांडवा, छेना, बारी, काकुम, कोदो, राइट, लिट्टल, कुटकी, शाबान, ये क्या है, ये हमारी माइनर क्रॉप्स हैं कुछ मिलेट्स में। कुछ मिलेट्स हमारी रबी क्रॉप्स में भी आती हैं और कुछ खरीफ में भी, वैसे मोस्ट ऑफ द क्या है हमारी खरीफ क्रॉप। वैसे जब से राइस और वीट हम लोगों ने खाना शुरू करा है तब तक हम ये मिलेट्स को भूलते जा रहे हैं। पहले कभी इन्हें गरीबों का अनाज के नाम से जाना जाता था, लेकिन लेकिन अब जब से सरकार ने इसके ऊपर इनिशिएटिव देना चाहे और इसकी इतनी वैल्यूज हैं कि अन्न और जो राइस है उसको हम रिप्लेस करें तो हमारे लिए जो लाइफ स्टाइल है हमारा और भी बढ़िया हो जाए। तो आप में से कभी किसी ने इन फूड में से कुछ ना कुछ खाया? हाँ बिल्कुल, अगर आपने मिलेट्स की बनी कोई चीजें खाई हैं तो जरूर खाना, राइट। चलिए, ये हमारे लिए ही फायदेमंद है। हाँ जी, चलो, द नेक्स्ट इज द इंडियन एयरफोर्स ने जो है वो लॉजिस्टिक सेमिनार, लॉजिसेम 2023 जो है हेल्ड करा है।
ये एक सेमिनार है विच इज नोन एज अ लॉजिसम 23. वट यू हैव टू रिमेंबर कि हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उसने एक सेमिनार इनोग्रेट करा है विच इज नोन एज द लॉजिसम, लॉजिस्टिक्स को लेकर, मतलब जो हम लॉजिस्टिक हमारी जो चीजें हैं उसको लेकर. और इसकी जो थीम है वो क्या है, दैट इज द लेवरेज एमर्जिंग ग्लोबल सप्लाई चेन टू एनहेंस लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटीज वाइल ऑब्जर्विंग डिसरप्शंस. ये कहाँ पर हुआ है, ये हमारे न्यू दिल्ली में जो है इसको रखा गया था, इसकी जो सेमिनार है वो न्यू दिल्ली में हुआ है, राइट. और हमारे एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी जो है ये यहाँ पर मौजूद थे उस समय जब ये हमारा सेमिनार इनोग्रेट हुआ. चलिए अगली बात करते हैं. यस, व्हाट अबाउट द एयर क्वालिटी इंडेक्स. रिसेंटली एक कोई न्यूज आई है जिसमें हमें ये पता चला कि जो दिल्ली है भारत में, जो दैट इज भारत की जो नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली, उसका जो एयर क्वालिटी है वो बेटर हो जाएगा, ये पता चला. अब एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम इस रिगार्डिंग जो है बात करेंगे. अगर वैसे तो पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए हमारी न्यू दिल्ली, बीजिंग जो ये नेशनल कैपिटल्स के रूप में है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ दी पॉपुलेटेड, मोस्ट पॉपुलेटेड जिसे कहते हैं ना कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड है, जहाँ पर रहना आपके लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा हानिकारक है. तो कोई दिल्ली से तो नहीं है यहाँ पर, वैसे अगर दिल्ली तो सभी को जाना ही पड़ता है. दिल्ली का हाल ऐसा है कि सर्दियों में तो आप वहाँ पर रह भी नहीं सकते, सांस भी आपके लिए लेना बहुत मुश्किल हो जाता है. मतलब इसी वजह से हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कितनी सारी डेथ जो हैं हो चुकी हैं पिछले कितने सालों में ड्यू टू द हमारी जो एयर क्वालिटी है वो जो है हमारी डिक्रीज होती जा रही है. तो अगर हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की, वैसे जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो है प्रॉपरली इसके लिए जो है गाइडलाइंस जो है वो निकालता है प्रॉपरली. उसकी गाइडलाइंस कुछ डिफरेंट रहती हैं, लेकिन हमारे भारत का, मतलब हर देश ने अपना अपना जो है एक एयर क्वालिटी इंडेक्स भी निकाला हुआ. तो भारत का जो एयर क्वालिटी, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो हमारे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और हमारे आईआईटी कानपुर ने जो मिलकर है इसे निकाला है. अगर हम इसमें बात करें, मुख्यतः हमारे जो 8 गैसेस हैं, हमारी जो 8 हमारे एलिमेंट्स जो हैं, दैट इज पीएम पर्टिकुलेट मैटर, पीएम 10 पर्टिकुलेट मैटर, 2.5 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लीड, ये जो हमारी 8 पर्टिकुलर हमारे मैटर हैं, अगर हमारी हवा में, हमारी जो हम सांस ले रहे हैं उस हवा में अगर हमारे ये मैटर्स जो है प्रेजेंट रहेंगे, तब हमारा जो एयर क्वालिटी का जो वो रहेगा, दैट इज द मतलब सांस लेने योग्य हमारे लिए एयर नहीं रहेगी. इसमें अगर हम एक चीज बात करें, हम इसे कैसे कहते हैं कि ये जो एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट हैं तो इसको हम कुछ माइक्रोग्राम्स, मतलब बहुत ही स्मॉल, मतलब मीटर जैसे होता है ना, एटम का भी एक रेडियस होता है, वो सबसे बिल्कुल छोटा होता है, उससे भी छोटे, मतलब छोटे, अगर हम एक मीटर के 10,000 टुकड़े कर ले, उसमें से भी जो माइक्रोग्राम, मतलब माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब का जितना साइज रहेगा, कितने मैटर्स का, इसे माइक्रोन्स में काउंट किया जाता है इन मैटर्स को. सबसे खतरनाक जो है ये हमारे पीएम 10 और पीएम 2.5 ही है. इसके कारण हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और डेथ तक होती है, जो पिछले काफ़ी सालों में हुई है. तो ये आपको क्या याद रखना है, ये आपको 8 जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये हमें याद रखने हैं. और इसी के आधार पर जो हमारा CPCB है, कंट्रोल CPCB, दैट इज कंट्रोल पोल्यूशन, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो हवा को जो है, मतलब एयर की क्वालिटी को जो है वो इस तरह से जो है रखते हैं. कैसे, मतलब जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के बीच में है तो मतलब गुड है, वहां पर सांस ले सकते हैं. अगर 51 to 100 है तो मतलब सेटिस्फैक्ट्री है, 101 to 200 है तो मतलब मॉडरेट है, 200 से 300 है पुअर है, 300 से 400 वेरी पुअर, 400 से 500 स्वीयर. तो हमारे दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है अकॉर्डिंग टू अस, मतलब हमारे नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की तरफ से दिल्ली का जो है वो बहुत ही बुरा हाल है, कम से कम 500 के आसपास है, वेरी पुअर है, बहुत स्वीयर कंडीशन है. और अगर हम इसको यूनाइटेड, दैट इज WHO, दैट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगर हम इसे देखें ना, तो उससे भी बुरा हाल है कि हम नहीं रह सकते. हालांकि हमारी सरकार ने कोशिश करी है कि हम 2024 तक इस जो एयर क्वालिटी को है वो अच्छा करेंगे, लेकिन बहुत ही दूर की बात है.
चलिए, मतलब अभी तक उसे हम अपने ही स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली अचीव नहीं कर पाए हैं, तो WHO के स्टैंडर्ड्स की अगर बात करें, वहां तक अचीव करना तो भूल ही जाओ, 10-15 साल तक होगा। यस, सो दैट्स डन फॉर टुडे। आई होप समझ आ गया सब कुछ, मिलेट्स क्या है, राइट, एयर क्वालिटी क्या है। अब आप भी देख ले कि अच्छा, अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप देखेंगे न्यूज़पेपर में साइड पर एक कॉलम बना आता है जिसमें डेली में ए क्या ई दैट इज लिखा आता है। तो एग्जाम में जाने से पहले ये जितने भी हमारे एलिमेंट्स वगैरह हैं, जो जो हमारे हवा में होने चाहिए, कितनी मात्रा में होने, वैसे कोई मात्रा में नहीं पूछेगा, लेकिन कौन कौन से 8 एलिमेंट इसमें शामिल हैं वो आपको याद होना चाहिए। डन, चलो क्वेश्चंस की बारी है, कुछ क्वेश्चंस तैयार करते हैं। यस, हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया इन 2023? 2023 के मुताबिक भारत में कितने टाइगर रिजर्व्स जो हैं पाए जाते हैं? यस, जल्दी से आप इसका आंसर देने का प्रयास करें, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। टाइम ऑलरेडी बीत रहा है, 2-4 क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद कल मिलते हैं। हाँ जी, यस, 54 टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया टूडे। आज की डेट में हमारे भारत के पास कितने हैं टाइगर रिजर्व? 54 है। चलिए अगला प्रश्न देखें। विच प्रोडक्ट वॉज अचीव द फर्स्ट GI टैग ऑफ इंडिया? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे सर्वप्रथम जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, जो GI टैग जिसे हम बोलते हैं, वो किस पर्टिकुलर पदार्थ को जो है दिया गया था? GI टैग यानी कि जिसमें हमारी क्रॉप्स, मतलब फूड प्रोडक्ट्स, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट एक्सेट्रा, सभी तरह की चीजें आ जाती हैं। बिहार का मखाना, बनारस का पान, वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग टी। हाँ जी, वेरी गुड, सर्वप्रथम भारत में GI टैग दार्जिलिंग टी को ही दिया गया है। तो चाय से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि चाय तो मुख्य पेय पदार्थ है ना हमारे लिए। चलो अगला प्रश्न देखें। यस, हु इज अपॉइंटेड एज द डेप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ? यस, वायुसेना के उपप्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी नाइस, आशुतोष दीक्षित को, आशुतोष दीक्षित जी को जो है अपॉइंट किया गया। चलिए, नाउ वेयर इज द एयरफोर्स हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन इंडिया? यस, एयरफोर्स हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है भारत में, एयरफोर्स के हेडक्वार्टर? हाँ जी, मुंबई, न्यू दिल्ली, श्रीहरिकोटा, रामेश्वरम। चलिए, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं दैट सिचुएटेड इन द न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में एयरफोर्स के हेडक्वार्टर सिचुएटेड हैं। चलिए, रामेश्वरम वाले बहुत है। चलो अगला प्रश्न देखें। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI, केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है, को किस गेट इट्स पावर फ्रॉम विच एक्ट? केंद्रीय जांच ब्यूरो को किस अधिनियम के अनुसार अपनी शक्ति प्राप्त होती है? दिल्ली स्पेशल फोर्सेस एक्ट 2005, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, इंडियन आर्म्स एक्ट 1950, या फिर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एक्ट? वेरी गुड, सभी आंसर सही दे रहे हैं, दैट इज द बी, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही ये स्टैचुटरी बॉडी है, लेकिन ये अपनी पावर जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत लेती है, और रेजोल्यूशन से जो है ये बॉडी बनी थी। क्लियर? और आज जो हमने करा है UPSC, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। चलिए, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम फॉर द रॉयल रॉयल बंगाल टाइगर? हाँ जी, रॉयल बंगाल टाइगर का वैज्ञानिक नेम क्या है? हम साइंटिफिक नेम स्कूल से ही करते आ रहे हैं ना, काफी सारे पदार्थों के साइंटिफिक नेम्स याद करना। अब आपको उसमें ना ये भी क्वेश्चंस डाल देने हैं, साइंटिफिक नेम ऑफ चीता। हाँ जी, अच्छा, अब ये सी कौन बोल रहा है बच्चे? साइंटिफिक नेम ऑफ चीता क्या है? एसिनोनिक्स जुबेटस। और टाइगर का क्या है? पैंथरा टिग्रिस टिग्रिस, पैंथरा टिग्रिस टिग्रिस, दो आएंगे। ठीक है, चलिए, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द कैंपेन मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर? किस मंत्रालय ने अभियान मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर शुरू किया? हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स,
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय, या फिर गृह मंत्रालय पर्यावरण। हाँ जी, किसके द्वारा ये जो कैंपेन है लॉन्च किया गया? लाइफ की बात तो पिछले 2 सालों से चल रही है बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, कि ऐसा लाइफ स्टाइल अपनाएं जो हमारे वातावरण के लिए भी पर्यावरण के लिए भी सेहतमंद साबित हो। हाँ जी, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। जिन जिनों ने गलत उत्तर दिया है, प्लीज नोट इट डाउन कि ये जो कैंपेन है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा चलाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखें। नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड द होम्योपैथी इज सिचुएटेड। उत्तर पूर्वी आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्था में स्थित है, किस स्थान पे स्थित है? हाँ जी, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। वेरी गुड, इसकी अभी कल ही इनोग्रेशन करे हैं, 6 न्यू जो बिल्डिंग्स हैं वो इनोग्रेट करी गई हैं, राइट, मेघालय के शिलोंग। मेघालय के कहा? शिलोंग में, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आयुर्वेदा जो प्रॉपर है उसके अंडर आती है। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आती है। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। विच सिटी होस्टेड द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023? किस शहर ने शंघाई सहयोग संगठन SCO फिल्म महोत्सव 2023 की मेजबानी करी? यस, किस सिटी ने, भारत की कौन सी सिटी ने SCO की? ये मेरे से वापिस प्रश्न पूछ रहे हो, उत्तर मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन मार्क डालने की जरूरत नहीं है, उत्तर मिल जाएगा, कुछ देर वेट करें, सभी को उत्तर देने दें। हाँ जी, गांधीनगर, मुंबई, मैसूर या फिर कोच्चि? नाइस आंसर, दैट इज द मुंबई। मुंबई में SCO फिल्म फेस्टिवल जो है वो आयोजित किया गया। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल विद द न्यू, कोई ना कोई न्यूज के साथ। तो आज का जितना भी हमारा रहा है उसमें हमने क्या जाना, पहले तो मिलेट के बारे में। तो आज आप सभी मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ मिलेट का उत्पादन, मतलब मिलेट से उत्पादित कोई ना कोई चीज को जरूर लेंगे आज, ठीक है? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, तो आप भी कुछ ना कुछ मिलेट को जरूर खाएं, बाजरा को, ज्वार को, रागी को, किसी ना किसी चीज को खाएं। मिलेट से बना कोई ना कोई पदार्थ आप जरूर सेवन करें, वो हमारे लिए भी बहुत फायदेमंद है। यस, बिल्कुल। चलिए चलिए, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अपना जितना भी अभी तक हमने करंट अफेयर्स करा है उसे वीकली रिवीजन भी करते रहें, डेली रिवाइज करते रहें, जो आप ही के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ से जो हमारे प्रश्न है किस प्रकार से बनते हैं वो भी हम डेली देख लेते हैं, राइट? चलिए, यस, बिल्कुल, बाजरे की रोटी खाएं और वो बहुत हमारे लिए अच्छी होती है, और बहुत सारे इसमें जो हमारे इफेक्ट्स हैं बहुत फायदेमंद है हमारे लिए, मतलब मतलब वीट और राइस से ज्यादा बेहतर मिलेट्स ही रहते हैं। चलिए, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।